नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। 28 मई को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई संसद भवन की बिल्डिंग का उद्घाटन करेंगे और उससे पहले ही राजनीतिक बयानबाजियां खूब हो रही हैं। लगातार बीजेपी सरकार पर विपक्ष निशाना साध रहा है। असदुद्दीन ओवैसी हों, अखिलेश यादव हों, राहुल गांधी हों या विपक्ष का और कोई नेता हो, सभी मोदी सरकार पर हमलावर हैं और सबका एक ही कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उद्घाटन नहीं करना चाहिए जबकि राष्ट्रपति को उद्घाटन करना चाहिए। इसी बीच AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने यहां तक कह दिया कि ना ही प्रधानमंत्री ना ही राष्ट्रपति, नई संसद की बिल्डिंग का उद्घाटन स्पीकर ओम बिरला को करना चाहिए। और इन्हीं बयानबाजियों के बीच अब एक ऐसा बयान आया है जिसने विपक्ष के होश उड़ा दिए हैं। जी हाँ, कांग्रेसी प्रमोद कृष्णम ने अब नए संसद भवन की बिल्डिंग के उद्घाटन को लेकर एक बयान दिया है और उन्होंने इस बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर बड़ी बात कही है और विपक्ष को तगड़ा जवाब दिया है। आपको बता दें कि प्रमोद कृष्णम ने बयान देते हुए अपने ट्वीट में लिखा है कि देश की संसद का उद्घाटन अगर भारत का प्रधानमंत्री नहीं करेगा तो क्या पाकिस्तान का प्रधानमंत्री करेगा। इसके अलावा उन्होंने एक दूसरा ट्वीट किया और उन्होंने लिखा है कि राजनीतिक विरोध अपनी जगह है लेकिन राष्ट्र सर्वोपरि है। तो कुछ इस तरीके से कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम ने बयान दिया है और विपक्ष को तगड़ा जवाब देते हुए उन्होंने बता दिया है कि भारत की संसद का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही करेंगे, किसी दूसरे देश का प्रधानमंत्री आकर नहीं करेगा। हालांकि लगातार बयानबाजियों का दौर जारी है और AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने जिस तरीके से हाल फिलहाल में अभी नई संसद भवन के उद्घाटन को लेकर बयान दिया था, उससे समझ आ रहा है कि सभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उद्घाटन करने की वजह से बौखलाए हुए हैं। फिलहाल प्रमोद कृष्णम के इस बयान पर कि देश की संसद का उद्घाटन अगर प्रधानमंत्री भारत के नहीं करेंगे तो क्या पाकिस्तान के करेंगे, उसको लेकर आपका क्या कुछ कहना है, अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं। साथ ही असदुद्दीन ओवैसी ने इस पूरे मुद्दे पर क्या कुछ कहा है वो भी सुन लीजिए। देखिए, भारत की संसद भारत की धरोहर है, भाजपा की नहीं। देश की संसद का उद्घाटन देश का प्रधानमंत्री नहीं करेगा तो और कौन करेगा। हिंदुस्तान की संसद का उद्घाटन हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नहीं करेगा तो क्या पाकिस्तान का प्रधानमंत्री करेगा। संसद, राष्ट्रपति भवन, ये इस तरह की इमारतें हैं, ये किसी एक पार्टी की नहीं होती हैं, ये पूरे देश की होती हैं। हम प्रधानमंत्री की नीतियों का विरोध करें हमें करना चाहिए, हम करेंगे, हम सड़क पे करेंगे, हर जगह करेंगे, लेकिन देश की जनता की भावनाओं और देश के जनमानस की भावनाओं का सम्मान करते हुए हमें मोदी का विरोध करने का हक है लेकिन देश का विरोध करना ठीक नहीं। जिस तरीके से ममता बनर्जी ने भी बायकॉट किया है पार्लियामेंट के मरोड़ को लेकर और कांग्रेस भी समर्थन दे रही है। नहीं क्या मैं तो विपक्ष से अपील करना चाहता हूं कि वो अपने फैसले पर पुनर्विचार करे। मोदी का विरोध करो, देश का विरोध करना ठीक नहीं। देश की संसद पूरे देश की है, किसी एक पार्टी की नहीं। भारत की संसद को भाजपा का समझना गलत है। इसीलिए मेरा निवेदन है कि तमाम विपक्ष ओबीसी के रास्ते पर ना चले, कि इसका इनॉग्रेशन प्रधानमंत्री को नहीं करना चाहिए क्योंकि ये थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स का वॉयलेशन है। लेजिस्लेचर इंडिपेंडेंट है, पार्लियामेंट इंडिपेंडेंट है, एग्जीक्यूटिव से जो प्रधानमंत्री है, पार्लियामेंट इंडिपेंडेंट है जुडिशरी से जो CGI हेड करते हैं उसको। तो इसीलिए हम इसका अपोज कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री को, वजीर आजम मोदी को इस नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग का इनॉग्रेशन नहीं करना चाहिए क्योंकि ये थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स का ग्रॉस वॉयलेशन है। ये स्पीकर के डोमेन में, लेजिस्लेचर के डोमेन में एग्जीक्यूटिव इंटरफियर हो रहा है।